नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कस्टमर रिव्यू करेंगे न्यू होलैंड 3630 सुपर प्लस ट्रैक्टर का, जो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की क्या क्या खासियतें हैं और क्या क्या ट्रैक्टर की कमियां हैं वो किसान से जानेंगे। उन्होंने कब लिया ट्रैक्टर, सारी बातचीत हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए जी। हाँ, मेरा नाम सेंटी है जी, गांव गाड़ा, जिला अम्बाड़ा जी। अच्छा जी। सर, ये ट्रैक्टर आपने कब लिया है? ये 9-10 महीने हो गए जी मेरे को इसको लिए जी। अच्छा जी, तो ये ट्रैक्टर कैसा चल रहा है आपके पास? बहुत अच्छा चल रहा है जी। और इस ट्रैक्टर की क्या खासियत है, क्या कमियाँ हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। सच्चाई बोलनी है, इसमें कोई भी झूठ ना हो, क्यों जो कस्टमर है या किसान है वो किसी के ट्रस्ट पे ही जांच पर के ट्रैक्टर लेता है। तो आप अपनी सच्चाई बताइए, ट्रैक्टर में कोई खासियत तो वो भी बताइए और कमी वो भी बताइए। तो एक साल हो गया जैसे जी मेरे को ट्रैक्टर लिए नूं, मेरे को तो इसमें कोई कमी लगी नहीं जी अब लग। अच्छा जी, ये चाहे आप चला के देख सकते हो कैसे भी, जिस तरह मर्जी। अच्छा जी, जो भी बस डीजल खर्चा भी ठीक है इसका, जोर में भी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिम्मेदार यही देखता है कि उसका डीजल कंजप्शन क्या एवरेज आ रही है, तो डीजल खपत कैसी आ रही है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट पे आपने लगाया ये? बस अभी चलाया जी, हैरो टिलर हो गया जी, रूटावेटर पे और ट्रॉली में, 5.5 के लगभग है जी। 5.5? हाँ जी। एक घंटे में ले रहा है? हाँ जी, इतना ही। एक घंटे में कवर कर लेता है रूटावेटर वाले एक एकड़ को? हाँ जी, एक घंटे 49 मिनट में करता है जी। 49 मिनट में कर लेता है? तो 49 मिनट में आपका 5 लीटर तेल ले रहा है। मैंने और भी बात करी है माले, और भी एरिया में बात करी है इस ट्रैक्टर के बारे में, जो 3630 सुपर है इसका फ्यूल कंजप्शन कम है और ट्रैक्टर से, क्या ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है जी ये। तो माले आप इस ट्रैक्टर से माले संतुष्ट हैं फ्यूल कंजप्शन के बारे में? हाँ जी। और ताकत कैसी लगा रहे हैं, जैसे आप और क्या क्या फसल लगाते हो? फसल तो गन्ना हो गया जी, जीरी गेहूँ, बस यही है जी, और क्या जी। तो अपना फोर व्हील के चक्कर में मान ले जैसे टायर स्लिप निकालते इसके। अच्छा जी। तो अपना जोर भी ज़्यादा लगाता है। अच्छा। और अगर टायर स्लिप निकाल लेंगे तेल भी ज़्यादा पिएगा ट्रैक्टर। हाँ ये बात तो है, अगर स्लिपिंग करेगा तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी। हाँ जी। और स्लिपिंग कम है ट्रैक्टर में? स्लिपिंग कम है जी इसकी। गन्ने की ट्रॉली जैसे गीला खेत है, कई बार दो ट्रैक्टर लगाने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें भी लगाने पड़ते हैं? नहीं वो तो कोई ऐसी बात नहीं, लगाना भी पड़ जाए कई बार ही, पर इसका ये है कि जितना आगे कम खींचेगा ये पीछे उससे ज्यादा खींच लेकर जाएगा। बैक ज्यादा है? बैक में ज्यादा जोर लगाता है। बैक में ज्यादा जोर लगाता? हाँ जी। आगे और उठने की जो समस्या है वो तो होगी नहीं इसमें? ये उठा तो मैंने अब मेरे पास उठानी है, 150 क्विंटल गन्ने में भी उठानी है खेत से, सूखा खेत था 150 क्विंटल में भी नहीं उठा, क्योंकि ये तो फोर व्हील ड्राइव है, आगे वेट भी है इसमें। हाँ जी। और उठने की तो संभावना कम ही होगी, और तभी यह है कि मतलब यह है कि ट्रैक्टर अगर उठेगा नहीं तो अगले जो फोर व्हील ड्राइव है तो वो ज़्यादा ताकत लगाएगा, चार पहिए एक साथ ताकत लगाएगा। हाँ जी। तो और जैसे हैरो टिलर में कैसा चला है ट्रैक्टर, मान लिया आपको कोई परेशानी आई? बट ठीक चल रहा जी, कोई से गियर में चला लो जिसको। अच्छा। पहले का ही में चला लो, उसके दूसरे के मीडियम में चला लो जी, चाहे इसको, कोई ऐसी बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ जी। और जैसे आपने ये अपना दान लगाई है, कद्दू करी है, तो मान लो उसमें कैसा चला है ट्रैक्टर? उसमें तो बहुत अच्छा। आमतौर पर पहले टू व्हील ड्राइव ही चला रहे थे सर। हाँ जी। अब फोर व्हील ड्राइव आ गया है। हाँ जी। तो उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, फोर व्हील ड्राइव में और टू व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस? तो जी फोर व्हील ड्राइव का ये फायदा है जी कि जैसे कि दूसरा आसानी से दूसरा ट्रैक्टर खेत वो नहीं कर सकता ना कद्दू जी। हाँ जी। तो इसने आसानी से कर दी जी। अच्छा। इसके पीछे टिलर भी पड़ा हुआ था तो सुहागा भी पड़ रहा था कट्ठी में, बहुत अच्छे चला जी ये। अच्छा चला। हाँ जी। तो ये भी खासियत है ट्रैक्टर। हाँ जी, खासियत है जी। ड्राइव की वजह से आपको कद्दू करने में कोई परेशानी नहीं आई है? हाँ जी। कंपनी की जो सर्विस है उससे सेटिस्फाइड है? हाँ जी, सब कुछ मतलब अच्छी सर्विस दे रही है कंपनी। ठीक है, सर्विस बढ़िया दे रही है जी। तो एक कनोपी ये साथ लगवाई थी, अलग से लगवाई आपने? ये साथ ही आई थी जी, इसके साथ ही लगवाई थी। हाँ जी, साथ ही आई है ट्रैक्टर, साथ ही आई थी जी। तो ट्रैक्टर का कितने का लिया था आपने? ये बम्पर वगैरह अलग से लगा था इस पे, वो एक्सेसरी आपने बम्पर वगैरह अलग से लगा था। हाँ जी। जो कंपनी में आपने पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं, मतलब वो कितना प्राइस दिया आपने? वो 8.65 के लगभग दिया था, जो कागजों समेत जी। कागजों समेत 8,65,000। हाँ जी। तो ये प्राइस, इस प्राइस में आपने ट्रैक्टर लिया? हाँ जी। तो आप मतलब संतुष्ट हैं ट्रैक्टर से, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, खुश है जी, हम तो ट्रैक्टर से ही जी। तो ये हमारे संती जी हैं, इन्होंने जानकारी दी ट्रैक्टर के बारे में। दर्शकों कैसी लगी आपको जानकारी, वो कमेंट में जरूर बताएं।
जानकारी देने के लिए संटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, कोई धन्यवाद। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की थोड़ी सी फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रैक्टर आपको 50 HP में मिलेगा, जिसमें आपको 3 सिलेंडर जो ट्रैक्टर का इंजन मिलेगा इन लाइन पंप के साथ, ठीक है जी। और फाइबर का जो इसका फ्यूल टैंक है वो फाइबर का मिलेगा 60 लीटर का। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो 12+3 UG है, जिसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स मिलेंगे, ठीक है जी। और तेल में डुबे ब्रेक मिलेंगे ट्रैक्टर में आपको, और वेट टाइप एयर क्लीनर मिलेगा आपको, और आपको होलोजन लाइट मिलेंगी ट्रैक्टर में आगे। और जो फ्रंट एक्सल है वो यूनिवर्सल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है, और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा। ये 12+3 UG में आपको ट्रैक्टर मिलेगा। और जो इसका क्लच है वो डबल क्लच है, इसका जो ट्रांसमिशन का क्लच है वो अलग है, और PTU का क्लच जो है वो अलग दे रखा है ट्रैक्टर में। और बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की, जो इसका बैक साइड है वो हब रिडक्शन में अब ट्रैक्टर आपको मिलेगा, आउटबाउंड हब रिडक्शन में ये ट्रैक्टर आता है। और इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है, लिफ्ट ट्रैक्टर की जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 2000 से 2200 kg की है। इसमें एक ये जैक दे रखा है जिससे इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की पावर बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।